सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग भी व्हाट्सअप यूज़ करते हो और आप लोग व्हाट्सअप पे फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप एप्लीकेशन को ओपन किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैनुअली यहाँ पे कोई यहाँ पे फॉन्ट नहीं है, यहाँ पे देख सो सैम्पल ये नाम है, लेकिन इसी में मैं हमें फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले आपको वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना, पहले उसका हमें रिमूव करके दिखाएंगे पहले, क्योंकि आपको यहाँ पे डाउनलोड कर ले तो फिर आपको यहाँ पे तकलीफ हो जाती है, फिर आपकी स्टोरेज भर जाती है। आप लोग चाहते हो कि यहाँ फालतू की एप्लीकेशन क्यों बताता रहता है, पहले आपको मैं एक एग्जांपल के तहत मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, मैंने उस एप्लीकेशन को ओपन किया है, ठीक है, जिस एप्लीकेशन से आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता कुछ इस तरीके का इंटरफेस, इसके बाद यहाँ पे देखना गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक कर लेना है। दैट इज गेट स्टार्टेड क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है। दैट इज गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नजर, इसके बाद यहाँ पे स्विच टू फॉन्ट्स, इस पर क्लिक कर लेना। इसके बाद आपको फॉन्ट्स पे क्लिक करके फॉन्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ओके कर देना, अपने हिसाब से जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहते हो, ठीक है। मैंने इंग्लिश को चूज किया, इसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको बैक आना, ठीक है। बैक आने के बाद आपको अपना व्हाट्सएप को फिर से दोबारा से ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने आप व्हाट्सएप को ओपन किया। इसके बाद आपको व्हाट्सएप पे जिसको भी फॉन्ट स्टाइल देनी है उसको दे सकते हो, जैसे कि मैं ये रिंकू दास घरोर से इसको मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थ्री लाइन्स पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो ना व्यू कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो ना थ्री डॉट पे फिर से क्लिक करता हूँ। इसके बाद एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे आता कुछ इस तरीके का इंटरफेस, थोड़ा सा आप लोग वेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे एडिट कर लेना, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। मैं यहाँ पे एडिट कर देते हैं, रिंकू दास लिखे थे। तो आप लोग यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल देना, कई सारे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल आती है, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट स्टाइल को देना चाह रहे हो यहाँ से दे सकते हो, देख सकते हो फ्रेंड्स। कई सारे फॉन्ट स्टाइल है, जैसे कि ये वाले फॉन्ट है, इसको मैं दे दूँ तो रिंकू, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग दूसरा भी फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो, जैसे कि ये वाला दे सकते हो, ठीक है। तो RIN, तो ये वाला फॉन्ट स्टाइल वही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला दे सकते हैं, ये वाला, ठीक है, RINKU, ठीक है, रिंकू और दास, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कोई भी इमोजी सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी आपको इमोजी अच्छा लगता है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये दिल वाला इमोजी है, ये वाला है, ये वाला इमोजी को सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। और ये वाला इमोजी है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है, ये डाल देता हूँ। इसके बाद सेव कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाता है, देख सकते हो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल कितना गजब का। सो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये वाला फॉन्ट स्टाइल है, ये वाला और एक इसके बाद ये वाला, ठीक है। मैंने दो ही फॉन्ट स्टाइल को चेंज किए, आप लोग अपने हिसाब से जो भी चेंज करना चेंज कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे ये सैम्पल सा फॉन्ट स्टाइल नहीं, ये चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये वाला फॉन्ट स्टाइल ये चेंज हो चुका है, और ये वाला फॉन्ट स्टाइल है, ये वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है। इसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है AV फॉन्ट, ठीक है, AV फॉन्ट, ठीक है, जैसे AV फॉन्ट, ठीक है। तो मैंने AV फॉन्ट टाइप किया है। AV फॉन्ट टाइप करने के बाद ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है, ये देख सकते हो फॉन्ट्स कीवर्ड्स, ठीक है। ये एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना। अगर आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से भी डायरेक्टली आपको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर।